हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स? किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए सॉल्यूशन क्या है। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एंड इवन इवन नंबर। कभी भी दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल दे करके देख लें। सपोज छोटे नंबर से लेके चलते हैं, 5 + 7। 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। ऑड प्लस ऑड इक्वल टू 5 + 7 क्या हुआ? 40। ट्वेल्व सॉरी माय मिस्टेक, 12। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। ओके, इसी तरीके से किसी भी और दो ऑड नंबर्स को आप करके देख लीजिए। 9 + 9, 9 + 9 इक्वल्स टू 18 18। 18 इज अ इवन इवन नंबर। नंबर। किसी भी दो ऑड नंबर्स को आप सम करेंगे तो हमेशा रिजल्ट आपका इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो इवन नंबर्स का सम क्या होगा? सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। देखिए क्या था, कोई भी दो इवन नंबर का भी सम करेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। 2 + 4 8 + 10 इक्वल्स टू 18 18। 2 + 4 इवन + इवन इक्वल्स टू इवन। ओके, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। इस तरीके से आप 14 + 12 इक्वल्स टू 26। तो अभी हमें मेन दो चीजें क्या मिल गई? ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू इवन। इसको याद रखिएगा, आगे बहुत यूज होगा इसका। और इवन प्लस इवन भी हमारा क्या हो गया? इवन प्लस इवन भी हमारा इवेन। इवन ही होगा। ओके, इस तरीके से दो चीजें हमेशा एकदम याद कर लीजिएगा, ये दो फॉर्मूले। ऑड और ऑड का सम करेंगे तो भी रिजल्ट इवन आएगा, और इवन का सम करेंगे तो भी रिजल्ट इवन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहां पर इसका हो सकता है यूज भी हो। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। अब थ्री ऑड नंबर्स हैं, टू ऑड नंबर्स का आपको क्या पता चला था? टू ऑड नंबर्स का सम इवन हो रहा था। अब टू, यहां पर थ्री ऑड नंबर्स हैं, थ्री ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? इवन होगा, फॉल्स। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होगा? अब देखिए, ऑड प्लस ऑड आपने पहले देख लिया था, क्या होता है? इवन इवन। और इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन ऑड। ओके, तो ये भी एक फार्मूला याद कर लीजिए। हमने दो फार्मूले उधर याद कीजिए किए थे। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू ऑलवेज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑलवेज इवन। अब इवन प्लस ऑड है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑड ऑड होगा। बी, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर। देखिए, सम ऑफ टू ऑड नंबर का रिजल्ट क्या आ जाएगा? टू ऑड नंबर्स का सम कर रहे थे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन। इवन अब उन दोनों का सम किससे होना है? फिर अगेन एक इवन से, तो इवन प्लस इवन इवन इवन। यस ट्रू। इसको भी हम लोग इधर देखें। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, ऑड प्लस ऑड क्या होना था? इवन। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इवन आ गया। अब इस इवन में इवन को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इवन। ओके, नंबर्स के रिजल्ट देखें। नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना है तो चलिए वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हमें करना है? किसी भी, पहले दो ऑड नंबर्स लेते हैं, सपोज 7 + 5। अब इन दो ऑड नंबर्स के सम में हमें क्या करना है? एक इवन नंबर को ऐड करना है। तो दो ऑड नंबर्स का सम आपको पता है हमेशा क्या आता है? इवन इवन। तो जब 7 + 5 करेंगे आपका कितना आ गया? 12 12। और ये आपके पास है 4। अब क्या हो गया? दो इवन नंबर है, दो इवन नंबर का भी सम आपको पता है हमेशा क्या होता है? इवन। ओके, अब समझ में आ गया। ऑड, दो ऑड नंबर का सम और उसमें एक इवन नंबर का सम करेंगे तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। चलिए,
सी पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर थ्री ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा? ऑड आएगा, यस ट्रू। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। कभी भी ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो प्रोडक्ट जो है, रिजल्ट जो है, वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। थ्री एक ऑड नंबर था, फाइव एक ऑड नंबर था, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया? 15, वो भी एक ऑड नंबर है। अब इसको अगेन फिर किसी थ्री से, थ्री से ही मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन किसी ऑड नंबर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 45, वो भी एक ऑड नंबर है। फिर किसी ऑड नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका रिजल्ट जो है ना, ऑड ही आएगा। ओके, तो ऑड नंबर हमेशा जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे, रिजल्ट हमेशा आपका ऑड ही आता रहेगा। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, यस ट्रू। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई टू, द क्वोशियंट इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी इवन नंबर को टू से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशियंट हमेशा ऑड होगा। देखिए, इवन नंबर ही सारे टू से डिवाइड होंगे। क्वोशियंट क्या है? जो रिजल्ट आया। अगर इवन नंबर एट है और टू से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशियंट फोर आएगा, फोर इज इवन। अगर क्वोशियंट इवन नंबर टेन है, टू से डिवाइड करेंगे तो क्वोशियंट फाइव आएगा, फाइव इज ऑड। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि टू, टू ही अकेला ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम भी है। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स के एटलीस्ट दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। देखिए, सारे प्राइम नंबर जितने इवन नंबर्स हैं, सॉरी, जितने प्राइम नंबर्स हैं, ज्यादातर टू को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड हैं। ठीक है, तो ऑड प्लस ऑड तो इवन होगा, बट सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन लिखा है तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर हमारा टू भी है। टू के साथ में अगर हम किसी भी और दूसरे प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस राइट। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर हैं? नहीं, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि टू जो है इवन भी है और वो प्राइम नंबर भी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, किसी दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा इवन होगा, यस। इवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के देखिए, कभी भी आप सपोज एक इवन नंबर है सिक्स, दूसरा इवन नंबर है एट, इनका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। इसी तरीके से टू है, दूसरा 18 है, प्रोडक्ट निकालेंगे, हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, मींस 13 में भी 1 और 3 यूज हो रहा है और 31 में भी 1 और 3 यूज हो रहा है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, इसी तरीके के प्राइम नंबर्स के पेयर ढूंढिए 100 तक, जिनमें दो डिजिट जो है आपस में रिवर्स होके नंबर बन रहे हो। तो कौन कौन से हैं? एक तो 17 एंड 71, एक पेयर ये है। दूसरा 37 एंड 73 है। तीसरा 79 एंड 97। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। बहुत ही ईजी है, आप लोग सेपरेट सेपरेट करके लिखिए 20 से लेस वाले। बस एक चीज याद रखिएगा, 1 को मत इंक्लूड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो लेस देन 20 में प्राइम नंबर्स हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कंपोजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है?
सेवन इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स, प्राइम्स। देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको केवल दो नंबर से ऐड करके बनाना है, दोनों नंबर ऑड और प्राइम होने चाहिए। तो 44 को क्या लिख सकते हैं, 41 + 3। 41 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और दोनों ही प्राइम नंबर भी हैं। इसी तरीके से 36 को कैसे लिख सकते हैं, 23 + 13। आप कोई और भी पेयर बना सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा पेयर भी बन रहा हो। मैंने जो 23 + 13 लिखा है, आप अगर कोई और दो प्राइम नंबर को ऐड करके बना रहे होंगे, दोनों ऑड होंगे, तो वो भी बन सकता है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 13। 18 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। कोई ऐसे पेयर प्राइम नंबर्स के बताइए जिनका डिफरेंस 2 होता हो, और ऐसे पेयर्स को क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम्स भी बोला जाता है। ठीक है, ट्विन प्राइम्स किनको बोलते हैं, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 आर ट्विन प्राइम्स। क्यों, क्योंकि 5 - 3 = 2। इसी तरीके से 5 और 7 ऐसा पेयर है जो जिनका डिफरेंस 2 आएगा, ये भी ट्विन प्राइम्स है। 11, 13 हो गया, ये भी ट्विन प्राइम्स हैं। इसके बाद 17 और 19 हो गया, मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो भी ट्विन प्राइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन है, बहुत ईजी है, 23 और 37 आर प्राइम नंबर्स। इसके बाद में राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। 7 ऐसे लगातार कंपोजिट नंबर लिखिए, 100 के नीचे होने चाहिए वो, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा हो। जो हमने एक 1 से लेके 100 तक के नंबर चार्ट पे प्राइम नंबर अपने फाइंड आउट किए थे, उसको अगर अभी आप देखेंगे तो आपको एक ही जगह पे ऐसा मिलेगा जहां 7 नंबर लगातार ऐसे हैं कंपोजिट, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर्स कौन से हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। इनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं है और ये 7 कंपोजिट नंबर लाइन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। पहले आपने देखा था सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, इसमें सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 21 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 11 + 7 + 3। 11, 7 और 3 ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड ऑल आर ऑड नंबर्स। इसी तरीके से 31 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 17 + 3। 53 को 13 + 17 + 23। 61 को 13 + 17 + 31। इसमें आप कोई और भी पेयर बना सकते हैं, हो सकता है आप कोई दूसरा भी पेयर बना दे कि अलग अलग दूसरे प्राइम नंबर लेकर के उनका सम करने पे आपका ये 53, 61 आपका आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हूज सम इज डिविजिबल बाई 5। कोई ऐसे 5 पेयर्स बनाइए प्राइम नंबर्स के जिनका जब सम निकालें आप, तो वो सम जो है 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए और वो प्राइम नंबर्स क्या होने चाहिए, 20 से बिलो होने चाहिए। ऐसे 5 पेयर्स बनाने, देखिए हमने क्या बनाए हैं, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका सम 5 होगा, 5 से डिविजिबल है। 7 + 3 = 10, 10 डिविजिबल है 5 से। 13 + 2 = 13 + 7, 11 + 19। इस तरीके से ये सारे जो इनके सम आ रहे हैं वो सब 5 से डिविजिबल भी हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिनके 2 से ज्यादा हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ओके, चलिए इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय फ्रेंड्स।